तो झारखंड सरकार कोरोना को देखते हुए काफी अलर्ट है और सतर्कता बरत रही है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,143 हो गई है। सिर्फ राजधानी पटना में ही 1,881 एक्टिव कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने जिलों की तैयारियों को लेकर सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और आपस में उचित दूरी बनाकर रखें। सुपौल में अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बहादुर चौक के पास की है। जानकारी के अनुसार व्यवसायी प्रभाष शाह त्रिवेणीगंज बाजार के बस स्टैंड के पास किराने की दुकान चलाता है। बीती रात वो अपनी दुकान बंद कर वापस लौट रहा था, तभी हथियारों से लैस बाइक सवार दो अपराधियों ने ओवरटेक कर उनके पीठ में गोली मार दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक प्रभाष कुमार नाम के व्यक्ति वो अपने दुकान से लौट रहे थे और लहरणिया पुला से पूर्व तरफ मुस्लिम टोला के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति उसको पीछे से गोली मार कर निकलते आगे चला गया। ये वहीं पर रुक करके अपना मोटरसाइकिल मोड़े, अगल बगल का लोग लेकर के इनको फिर घर वाले को खबर किया और अस्पताल लेके आया। अभी ये खास इंजुरी नहीं है, लेकिन हाँ गन शॉट इंजुरी है शरीर पर।